चैप्टर नंबर 13, इसका टॉपिक जो है नाम इसका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जो इसमें टॉपिक है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मैं बहुत दफा रेफरेंस दे चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 जो आप लोगों को करवाया था सेकेंड ईयर का, मेरी जो प्लेलिस्ट है ना ई कैट टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से, जिसमें लेक्चर अपलोड होते हैं, इसमें लेक्चर नंबर 7 है। उस लेक्चर नंबर 7 में मैंने काफी चीजें क्लियर की थी। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ मैंने क्लियर किए थे कि सबके ग्राफ किस तरह बनते हैं। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होती है, जो चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। फिर मैंने ये बात क्लियर की थी कि डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है, जो चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है। तो वो जो 45 मिनट का लेक्चर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एंड पे मैंने कॉन्फिडेंट डिस्कस किया था कि भाई अगर आप वो बंदे हो कि आप कहते हो यार मुझे कॉन्सेप्ट नहीं सीखना, मुझे रट्टे मारने, तो एंड पे मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज का पूरा अलग से बता दिया था। और अगर आपको रीजन जाननी है तो आधा घंटा शुरू में मैं रीजन ही पूरी समझा रहा था कि किस तरीके से आप याद रखोगे, क्योंकि रट्टे मारना मुश्किल है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 डोमेन, 6 रेंज, 12 ये बन जाएंगी। उसके बाद इनवर्स को शामिल करो, 6 डोमेन, 6 रेंज, तो टोटल 24 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरे दिए। तो वो आप लोग वहां पे देख लेना लेक्चर नंबर 7 इसी प्ले लिस्ट में, चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस चैप्टर का जो एक टॉपिक है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो ऑलरेडी मैं वहां पे पढ़ा चुका हूँ। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का, तो वो भी आप लोगों के लिए इतना बड़ा मसला नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप लोगों को इतना इश्यू नहीं होगा। सबसे पहले जरा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आप इनवर्स फंक्शन को लिखते कैसे हो। तो अगर आपने ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है, अच्छा यार मैं लेक्चर के स्टार्ट में ये बात आज क्लियर कर देता हूँ, ये इंशाल्लाह वीडियो में आप यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, क्योंकि ये सवाल पूछ पूछ के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। आप इंशाल्लाह वीडियो में, तो टॉपिक हमारा ये है कि आपने कैलकुलेटर को डिग्री में कब कन्वर्ट करना है, रेडियन में कब कन्वर्ट करना है। अच्छा देखो, रेडियन डिग्री का कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है ना जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करना है, या तो साइन आपने कंसीडर करना होगा या आपने साइन इनवर्स कंसीडर करना होगा, ये दो ही आपके पास तरीके होते हैं। तो तरीका ये है कि भाई दो किस्म के फंक्शन है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने आपके सामने लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बात बता दी कि y इक्वल टू साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह cos इनवर्स, tan इनवर्स और ऊपर cos x जो भी है आप लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बात समझनी है कि इन दोनों के इनपुट में फर्क क्या होता है, इनपुट और आउटपुट में। जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, यहाँ पे इनपुट में आप पुट करते हो कोई भी एंगल, आपने यहाँ पे एंगल पुट किया, आंसर में आपको कोई भी वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पुट किया साइन 30 डिग्री, एंगल पुट किया, आंसर में आपको मिल जाएगा 1/2, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 1/2 आ जाएगा। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें होता यह है कि आप पुट करते हो वैल्यू और आंसर में आपको मिलता है एंगल। ये बेसिक बात आपको बतानी चाहिए। जैसे आप कैलकुलेटर में पुट करते हो साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 पुट किया आपने वैल्यू और आंसर कैलकुलेटर आपको क्या देगा, 30 डिग्री, आंसर में आपको क्या दे देगा, एंगल दे देगा। तो सबसे पहली बात तो ये आपने समझ ली। जब आपने बात समझ ली, अब जरा इस पे आ जाओ, आपने कन्वर्ट कब करना है। तो याद रखो, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हो, जैसे सिंपल सी इक्वेशन है साइन 30 डिग्री, कॉस 30, टेंजेंट 30, कुछ भी आपने एंगल पुट करना है, तो आपका कैलकुलेटर लाजमी डिग्री के अंदर होना चाहिए। आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर जाओगे तो छोटा सा डी लिखा हुआ होता है। अगर आप एंगल डिग्री के अंदर पुट कर रहे हो तो आपका कैलकुलेटर भी डिग्री के अंदर होना चाहिए, तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 1/2। अगर आपका कैलकुलेटर है भाई डिग्री के अंदर और आपने यहां पे पुट कर दिया पाई बाय 6, आपके जहन में होगा कि पाई बाय 6 तो मैंने रेडियन के अंदर पुट किया है, लेकिन कैलकुलेटर इसको किसमें लेगा, कैलकुलेटर इसको डिग्री में लेगा। 5/6 होता है 0.52, तो कैलकुलेटर समझेगा कि आप पुट करना चाह रहे हो 0.52 डिग्री, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत, आप रेडियन के हिसाब से रखोगे, कैलकुलेटर डिग्री के हिसाब से लेगा, तो इस पूरी चीज का आंसर आपके पास गलत हो जाएगा। तो जब आपने रेडियन के अंदर पुट करना है तो आपका कैलकुलेटर भी ऊपर रेडियन के अंदर होना चाहिए, तब कैलकुलेटर आपको करेक्ट आंसर देगा 1/2। इसी तरह अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है और आप नीचे पुट कर देते हो साइन 30 डिग्री, आप कैलकुलेटर गलत आंसर देगा,
क्योंकि जब आप 30 पुट करोगे तो कैलकुलेटर 30 को डिग्री नहीं लेगा, कैलकुलेटर 30 को रेडियन लेगा, तो वो साइन 30 रेडियन का आंसर देगा जो कि आपको गलत होगा। तो जो भी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने ध्यान देना है जिसमें आप एंगल पुट कर रहे हो वही आपके कैलकुलेटर में होना चाहिए। ये बात है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब जरा आ जाओ इनवर्स के ऊपर, क्योंकि इनवर्स में आपको पता है एंड पे आपके पास एंगल आता है, इस वाले सिचुएशन में तो वैल्यू आती है ना, अगर आपने सही नहीं किया तो आपके पास वैल्यू गलत आ जाएगी। तो इनवर्स में क्या होता है, लेट कर लो आपने पुट किया इनवर्स, इनवर्स के अंदर आप कोई वैल्यू पुट करते हो, वैल्यू मैंने पुट कर दी 1/2। अब अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री के अंदर है तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा यहां पे 30 डिग्री, सिंपल सी बात है। और अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है तो कैलकुलेटर इसका आंसर दे देगा पाई बाय 6। कहने का मतलब यह है कि जब इनवर्स फंक्शन में ये मैटर नहीं करता, इनवर्स फंक्शन में आपका आंसर गलत नहीं आ सकता। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में है तो इनवर्स का आंसर भी डिग्री के अंदर आ जाएगा, अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर है तो इनवर्स का आंसर भी रेडियन के अंदर आ जाएगा। तो इनवर्स में गलत आंसर नहीं आ सकता, इससे आप बेफिक्र हो जाओ, इनवर्स में कभी गलत आंसर नहीं आएगा। अगर आपको डिग्री में चाहिए आंसर तो आप डिग्री में रखो, अगर रेडियन में चाहिए तो आप रेडियन में रखो, लेकिन जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वहां पे आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए जो एंगल है उसी में आपका कैलकुलेटर होना चाहिए। कोई भी सवाल यहां तक है तो पूछ लो। ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट के जहन में होता है कि सर कब रेडियन कब डिग्री करना है, बात सबको क्लियर होगी ये बात। आई गेस ये टॉपिक हमने समझ लिया। सर मेरा नेट चला गया था। चलो तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में बता दिए, मैं समझ में आप लोगों को मसला नहीं होगा कि दो ही केसेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में जहां पे रेडियन डिग्री में करना होता है। तो कंक्लूजन ये है कि इसमें आंसर गलत होगा अगर आप छेड़खानी करोगे, इसमें आंसर गलत नहीं होगा। और सही आंसर के मैंने पूरे हल बता दिए आपको, इस तरह डिटेल में नहीं बताया जा सकता। तो यही इसका है हल, मसला आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। इस तरह अब दोबारा आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का कंप्यूटर से बहुत ज्यादा वास्ता है तो इसलिए ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ इसके ऊपर, खैर ये भी तो बता दिया। ये जो इनवर्स फंक्शन होते हैं ना यार, इनको लिखने का तरीका होता है, जैसे अगर साइन इनवर्स है ना, मैं इसको साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूं और मैं इसको आर्क साइन एक्स भी लिख सकता हूं, दोनों रिलेशन होती है। साइन इनवर्स एक्स लिखो या आर्क साइन लिखो, दोनों का मतलब होता है इनवर्स साइन। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान में रखो। दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट गलती करते हैं, वो समझते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 1/ साइन एक्स, क्योंकि नीचे साइन एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है कि ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे -1 जो है ये पावर नहीं है बल्कि ये नोटेशन है। किस चीज की नोटेशन है? इनवर्स की नोटेशन है। या आपने फर्स्ट ईयर में भी देख, सेकेंड ईयर में भी देखा होगा चैप्टर 1 के अंदर, इनवर्स फंक्शन को आप इस तरह लिखते हो, तो यहाँ पे ये पावर होती है क्या? नहीं, ये इनवर्स की नोटेशन होती है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो ये -1 नोटेशन है, इसकी कोई पावर नहीं है। अगर इसकी पावर होती तो फिर हम इस तरह लिखते, अगर -1 पावर आप लिखनी होती ना तो इस तरह लिखते। और यहां से एक और बात आपको क्लियर हुई कि भाई फिर ये इसके बराबर होता, नीचे जाता तो इसकी होल पावर पॉजिटिव हो जाती, ये चीज इसके बराबर हो सकती। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात कि इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर देना। आप बोलो भाई अलजेब्रा का रूल होता है कि पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई ये पावर है ही नहीं, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, ये अलग पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इनवर्स को आप। तो ये बात हमने क्लियर कर ली है, इनवर्स से रिलेटेड ही बात है। अब जरा आ जाओ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हो। तो मैं टेबल बना रहा हूं जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। टेबल ये है कि तीन फंक्शंस है भाई, सबसे पहला फंक्शन होता है साइन, दूसरा फंक्शन है भाई कॉस, तीसरा फंक्शन है टेंजेंट। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है अगर वो किसी और फॉर्म में तो आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में ऑलरेडी आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दी जाती है। असल इस टॉपिक को समझने के लिए 13.2 करनी पड़ेगी आपको, 13.2 ध्यान से करना, उसमें आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। एमसीक्यूज में तो छोटी छोटी आती है, लेकिन जब 13.2 की प्रैक्टिस कर लोगे फिर मसला नहीं होगा आपको।
अब देखो होता ये है कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेट करते हैं कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेट करते हैं टेंजेंट एक्स इक्वल टू रूट थ्री। अब आपको बोला जाए कि इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यूज निकालो, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें क्या है, और इसमें आपके पास इनफाइनाइट एक्स की वैल्यूज आती है, इसलिए क्योंकि देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये रिपीट कर रहे होते हैं, 30 भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, 30 के अंदर 360 ऐड करो तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, फिर 360 ऐड करो, करते जाओ वो सेटिस्फाई कर पाओ, तो तभी इसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि आप एक्चुअल सॉल्यूशन लिख नहीं सकते, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो जनरल सॉल्यूशन भी आप कैसे लिखोगे, वो जरा उस बात को समझो आप, कि आप सबसे पहले 360 डिग्री के अंदर ना, या बेसिकली अगर मैं बात बताऊं, मैंने आप लोगों को पीरियड बताया था लास्ट क्लास में, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जिसको आप सॉल्व कर रहे हो ना, आप देखते हो उसका पीरियड क्या है, साइन का पीरियड होता है 360 डिग्री, तो आप 360 डिग्री के अंदर जितने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो आप निकालते हो, और उसके बाद फिर उसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हो। कहने का मतलब आप इसको सॉल्व इस तरह करोगे, आप लिखोगे एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू, साइन इनवर्स वन अपॉन टू कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करोगे, अगेन वही बात है, अगर डिग्री में है तो डिग्री में आंसर आएगा, रेडियन है तो रेडियन में आएगा, लेट कर लो आपके पास 5/6 आ गया, क्योंकि इसमें नॉर्मली हम रेडियन में निकाल लेते हैं, आपके पास आंसर आ गया 5/6। अब मैंने बताया साइन और कॉस 360 के अंदर हमेशा दो एंगल आते हैं, दो एंगल पे इनकी वैल्यू सेम होती है, तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, उसके लिए मैं टेबल बता रहा हूँ, क्योंकि पहला एंगल तो आपका कैलकुलेटर हेल्प कर देगा, दूसरा एंगल निकालने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, फर्स्ट एंगल आप किस तरह निकालोगे, फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल तो भाई आपको कैलकुलेटर निकालेगा, मैं थीटा लिख रहा हूं यहां पे, आपने कैलकुलेटर में जैसे इस सिचुएशन में क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, कैलकुलेटर में निकालना, कैलकुलेटर आंसर दे देगा आपको, माइनस वन अपॉन टू का कैलकुलेटर क्या आंसर देगा, कॉस माइनस वन अपॉन टू होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री को रेडियन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2π/3, तो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर दे देगा 2π/3, पहला एंगल दे देगा कैलकुलेटर, इसी तरह इसमें सॉल्व करो टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री, कैलकुलेटर आंसर दे देगा π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये दूसरा एंगल आप कैसे निकालोगे, हम दूसरा एंगल सिर्फ साइन और कॉस में निकालते हैं, क्योंकि साइन और कॉस का पीरियड होता है 2π मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री के अंदर दो ऐसे एंगल होते हैं जो इनको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन टेंजेंट का पीरियड होता है 180 में एक ही ऐसा एंगल होता है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो टेंजेंट के केस में आप एक ही एंगल निकालते हो जो कि आपको कैलकुलेटर बता देता है, उसके बाद आप जनरलाइज सॉल्यूशन लिख देते हो, वो किस तरह लिखोगे मैं बता दूंगा, तो फर्स्ट एंगल तो आपका कैलकुलेटर हेल्प कर देगा, उसकी तो हम बात ही नहीं करते, सेकेंड एंगल पे आ जाओ, सेकेंड एंगल कैसे निकालोगे, अगर साइन का केस है तो साइन में आप माइनस करोगे पाई में से, जो भी एंगल यहां पे आया होगा ना पाई माइनस वन एंगल, अगर आप रेडियन में डिग्री में कंसीडर कर रहे हो तो आप 180 डिग्री माइनस थीटा कर देना। कॉस में सेकेंड एंगल कैसे आता है, दो तरीके होते हैं इसके, वो आप एमसीक्यू पर डिपेंड करता है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, सेकेंड एंगल माइनस थीटा करके भी आ सकता है, मतलब जो पहला एंगल आया ना उसके साथ माइनस लगा दो, इस तरह भी लिखा जा सकता है, या सेकेंड एंगल इस तरह भी निकाल सकते हो 2π में से माइनस करके। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, साइन में पहला एंगल आपको कैलकुलेटर में दे दिया, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, साइन के केस में आप पाई से माइनस करते हो, तो आप लिखोगे पाई माइनस पहला वाला एंगल, पाई माइनस 5/6 होता है 5π/6, तो ये आपके पास दूसरा एंगल आ गया, पहला एंगल कैलकुलेटर ने दिया, दूसरा एंगल आपने निकाल लिया। अब कॉस पे आ गए, कॉस का 2π/3 आपको कैलकुलेटर में दे दिया, दूसरा एंगल निकालने के दो तरीके, आपको डिपेंड करता है एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है, या तो आप -2π/3 लिख दो, ये दूसरा एंगल है इसका, जो एंगल आया था उसको मैंने माइनस कर दिया, ये बात भी मानी जाती है, आपने माइनस कर दिया दूसरा एंगल आ गया, या दूसरा तरीका क्या है कि आप 2π में से माइनस कर दो, तो 2π - 2π/3, तो जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4π/3, या तो ये कंसीडर कर लो आप या ये कंसीडर कर लो, दोनों तरीके से बताए हैं कि एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बुक में दोनों टाइप के आंसर मिल जाएंगे आपको,
बुक में इस वाले मेथड के मिल जाएंगे, बुक में इस वाले मेथड के मिल जाएंगे। तो मैंने दोनों बताए कि जो फर्स्ट एंगल कैलकुलेटर ने दिया है उसको नेगेटिव कर दो, दूसरा एंगल आ जाएगा, या आप जो फर्स्ट एंगल आया है उसको 2 पाई में से माइनस कर दो, आपके पास सेकंड एंगल आ। दोनों और टेंजेंट के केस में मैंने आपको बताया कि आप दूसरा एंगल निकालते ही सही। यहां तक बात कर रहे सबको? जो ऊपर पहली इक्वेशन है ना उसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे? एंगल आया आपके पास पाई बाय सिक्स, इसके अंदर ऐड कर दोगे 2n पाई यूनियन, दूसरा एंगल आया 5 पाई बाय सिक्स, इसके अंदर ऐड कर दोगे 2n पाई, दैट्स इट, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। साइन और कॉस के केस में आप 2n पाई ऐड करते हैं, इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है उसके साथ भी यही करो, उसमें कॉस है, कॉस में भी होता है 2n पाई ऐड करते हो, पहला एंगल आया 2 पाई बाय 3, उसके अंदर 2n पाई ऐड कर दो, दूसरा एंगल आया है 4 पाई बाय 3, तो आप 4 पाई बाय 3 में 2n पाई ऐड कर दो। या ये तो दो मेथड है ना, पहला एंगल वो, दूसरा एंगल ये लो, या अगर आप पहला एंगल वो और दूसरा एंगल ये वाला लेना चाह रहे हो तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? अपनी आसानी पे हम लिखेंगे 2n पाई प्लस 2 पाई बाय 3 और नीचे माइनस भी लगा देंगे, माइनस 2 पाई बाय 3 का मतलब ये वाला एंगल जो है ये भी इसके अंदर आ, तो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 इस तरह भी लिखा जा सकता है या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है भाई एमसीक्यूज में क्या ऑप्शन है। दोनों कॉन्सेप्ट जो है मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। और अब तीसरी क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरी इक्वेशन है टेंजेंट की फॉर्म में, टेंजेंट की फॉर्म में एक ही एंगल निकालते हो और जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हो? एंगल आया है पाई बाय 3, उसके अंदर आप ऐड कर दोगे एन पाई, टेंजेंट के केस में आप एन पाई ऐड करते हो क्योंकि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है और टेंजेंट का पीरियड पाई होता है, दैट्स व्हाई आप इसके अंदर एन पाई ऐड करते हो, वेयर एन यहां पे क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, यही बस है चीज। अगर आपने ये बेसिक बात समझ ली फिर आपको मसला नहीं होगा, ये बात समझने के बाद आप 13.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हो उसको देखो समझ आ जाएगी। जब ये कर लो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और उससे आपको समझ आ रहा है कि अगर मुश्किल इक्वेशन आ गई, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी क्वाड्रेटिक आ सकती है ना कि पावर 2 हो उसकी, तो आप किस तरह सॉल्व करो, तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक समझा जाता है लेकिन अगर आप ये बातें मोटी मोटी जो मैंने बताई है समझ लो फिर आपको मसला है।